एंटर ब्रबंचियो ओथेलो अयागो रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स ब्रबंचियो ओथेलो अयागो रोड्रिगो और अफसर दाखिल होते हैं ड्यूक वैलिएंट ओथेलो वी मस्ट सरफेस एम्प्लॉय यू अगेंस्ट द जनरल एनिमी अशोमन टू ब्रबंचियो आई डिडंट सी यू वेलकम जेंटल सीनियर We liked your counsel and your help tonight. Employ, काम में लाना या लगाना. Duke, नवाब. Valiant Othello, बहादुर Othello, we must afraid employ you against the general enemy Ottoman. हमें हमारे अमूमी दुश्मन यानी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ तुम्हें काम में लगाना होगा टू ब्रबंचियो ब्रबंचियो से मुखातिब होकर आई डिड नॉट सी यू मैंने तुम्हें नहीं देखा वेलकम जेंटल सीनियर खुशामदीद ए शरीफ मोहतरम विलेक्ट हमें कमी महसूस हुई योर काउंसिल तुम्हारे मशवरे एंड योर हेल्प और तुम्हारी मदद की टुनाइट आज रात हमें आज रात तुम्हारे मशवरे और मदद की कमी महसूस हुई नवाब बहादुर ओथेलो हमें हमारे अमूमी दुश्मन सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ तुम्हें काम में लगाना होगा ब्रबंटियों से मुखातिब होकर मैंने तुम्हें नहीं देखा खुशामदीद ए शरीफ मोहतरम हमें आज रात तुम्हारे मशवरे और मदद की कमी महसूस हुई ब्रबंटियों So did I yours. Good your grace, pardon me. Neither my place nor art I heard of business hath raised me from my bed, nor doth the general care take hold on me, for my particular grief is of so blurred gaze and overbearing nature that it engulfs and swallows other sorrows, and it is still itself. आर्ट कोई चीज़ इंगर्स निगल जाना ब्रबंचियो सो डिड आई योर्स इसी तरह मुझे भी आपकी कमी महसूस हुई गुड योर ग्रेस आपकी अजमत को सलाम पार्डन मी मुझे माफ़ कीजिएगा नीदर माई प्लेस ना ही मेरे मुकाम ने नॉट आई हर्ड ऑफ बिजनेस और ना ही कारोबार की किसी चीज़ के बारे में मैंने सुना और ना ही इन्होंने हैथ रेज्ड मी मुझे बेदार किया है फ्रॉम माई बेड मेरे बिस्तर से ना डोट द जनरल केयर और ना ही कोई हिफाजती ख्याल टेक होल्ड ऑन मी मेरे जहन में आया फॉर माई पर्टिकुलर ग्रीव क्योंकि मेरा अपना ज़ाती गम इज ऑफ सो फ्लड गेट इतना गहरा एंड ओवर बेयरिंग नेचर और ज़बरदस्त तमैयत वाली फितरत का है दैट इट इंगर्स एंड स्वेलोस कि ये निगल जाता है यानी बुला देता है अदर सारोस मेरे दूसरे गमों को एंड इट स्टिल इट सेल्फ और ये अभी भी है ब्रबंचियो इसी तरह मुझे आपकी कमी महसूस हुई आपकी अजमत को सलाम मुझे माफ़ कीजिएगा ना ही मेरे मुकाम ने और ना ही कारोबार की किसी चीज़ के बारे में मैंने सुना और ना ही इन्होंने मुझे मेरे बिस्तर से उठाया है और ना कोई हिफाजती ख्याल मेरे जहन में आया है क्योंकि मेरा अपना ज़ाती गम इतना गहरा और ज़बरदस्त नमयत वाली फितरत का है कि ये बाकी तमाम गमों को निगल जाता है यानी उन्हें बुला देता है लेकिन फिर भी ये मौजूद है Duke, why? What's the matter? Nawab, क्यों? क्या हुआ? Brabantio, my daughter, oh, my daughter. Brabantio, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी. All dead? तमाम बोले, मर गई? Brabantio, ए टू मी
She is abused, stolen from me, and corrupted by spells and medicines bought of mountebanks. While nature so preposterously to err, being not deficient, blind, or lame of sense, witchcraft could not. Abused, bura bartav karna, stolen, churana, corrupted, kharab, spells, jadutona, mountebanks, atai hakim, preposterously, galati se ya ulat chalna, err, galati, deficient, nakus, blind, andi, lame, apahaj, sense ke bagair, witchcraft, jadui amal. Eh, to me, hai, mere liye wo mar gayi hai. She is abused, stolen from me. Use mujhse chura liya gaya hai, bura bartav kiya gaya hai, and corrupted, aur use kharab kar diya gaya hai. By spells, jadu se, and medicines, aur adviyat se, bought of mountebanks, atai hakim se lai gayi. For nature so preposterously to err, kyunki fitrat kabhi itna ulat nahi jal sakti. Being not deficient, blind, or lame of sense, is kadar nakas, andi, aur akli taur par itni apahaj nahi ho sakti. Sense witchcraft could not. Ke jadui amal ke bagair aisa mumkin nahi ho sakta. Brabantio. Hai, mere liye wo mar gayi hai. Use mujhse chura liya gaya hai, bura bartav kiya gaya hai, aur use अताई हकीम से लाई गई अद्वियात और जादू टोने के ज़रिए इसे ख़राब कर लिया गया है, क्योंकि फितरत कभी इतना उलट नहीं चल सकती. इस कदर नाकस, अंधी और अकली तौर पर इतनी आवाज नहीं हो सकती कि जादुई अमल के बग़ैर ऐसा मुमकिन हो सकता. ड्यूक, हूएवर ही बी देयर इन दिस फाउल प्रोसीडिंग हैड दस बिगाइल्ड योर डॉटर ऑफ हरसेल्फ and you of her, the bloody book of law. You shall yourself read in bitter letter, after your own sense, yeah, thou or proper sin, stood in your action. Proceeding, kar ravai, foul, gandhi ya galat, beguiled, dhoka dena. Whoever he be that in this foul proceeding, nawab, जो भी इस गलत कार्रवाई में शामिल हुआ, है दस बिगाइल्ड योर डॉटर ऑफ हर सेल्फ, और इस तरह जिसने भी आपकी बेटी को धोखा दिया, एंड यू ऑफ हर, और आपको उसे दूर कर दिया है, द ब्लडी बुक ऑफ लॉ, तो रियासत का सख्त कानून उसे सजा देगा. यू शैल योर सेल्फ रीड इन द बिटर लेटर, आप खुद ही इससे मुतल्लिक तल्ख अल्फाज को देखेंगे, यानी आप खुद ही उसके मुनसिफ होंगे. आफ्टर योर ओन सेंस या द आर ओन प्रॉपर सन, अपने ही शऊर के साथ, चाहे इसमें मेरा अपना ही बेटा स्टूड इन योर एक्शन आपके मुखालिफ क्यों ना हो. नवाब, जो भी इस गलत कार्रवाई में शामिल हुआ और जिसने भी इस तरह आपकी बेटी को धोखा दिया है और आपको उसे दूर किया है, तो रियासत का सख्त कानून उसे सजा देगा. आप खुद उसके मुतालिक तल्ख अल्फाज को देखेंगे, यानी आप खुद ही उसके मुनसिफ होंगे, अपने शऊर के साथ उसका फैसला करेंगे, चाहे उसमें मेरा अपना ही बेटा आपके मुखालिफ क्यों ना हो. मरबंशियों, हम बले, आई थैंक योर ग्रेस, हेयर इज अ मैन दिस मोर होम नाउ इट सीम्स Your special mandate for the state affairs hath hither brought. Mandate, ikhtiyar ya hukam. Humbly, I thank your grace. Bahut hi aajizana tareeke se aapki meherbani ka shukriya. Here is a man, yahi shakhs hai. This mole, yahi hafshi, whom now it seems
योर स्पेशल मैंडेट फॉर द स्टेट अफेयर्स, जो इस वक्त रियासती अमूर के लिए आपके ख़ास हुक्म से हैथ हेदर ब्रॉट यहाँ लाया गया है। ब्रेवेंटियो, बहुत ही आजिज़ाना तरीके से आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। यही वो शख्स है, यही वो हबशी है जो इस वक्त रियासती अमूर के लिए आपके ख़ास हुक्म के तहत यहाँ लाया गया है। ऑल, वी आर वेरी सॉरी फॉर इट। तमाम, हमें इसका बहुत अफसोस है। ड्यूक, टू अ फेलो, व्हाट इन योर ओन पार्ट कैन यू से टू दिस। नवाब ओथेलो से मुखातिब होकर, इस हवाले से तुम अपने हक में कुछ कहना चाहोगे? ब्रेवेंटियो, नथिंग बट दिस इज सो, कुछ भी नहीं लेकिन सारा मामला इसी तरह है। ओथेलो, मोस्ट पोटेंट ग्रेव एंड रेवरेंट सीनियर्स, माय वेरी नोबल एंड अप्रोव्ड गुड मास्टर्स, दैट आई हैव टेकन अवे दिस ओल्ड मैन्स डॉटर, इट इज मोस्ट ट्रू आई हैव मैरिज हर, द वेरी हेड एंड फ्रंट ऑफ माई ऑफेंडिंग हैथ दिस एक्सटेंट नो मोर रोज आई एम इन माई स्पीच एंड लिटिल ब्लेस्ड विद अ सॉफ्ट फ्रेज ऑफ पीस, फॉर सिंस दिस आर्म्स ऑफ माइंड हैड 7 years faith, टिल नाउ सम 9 moons wasted they have used their dearest action in the tented field, and a little of this great word can I speak more than pertains to fates of broil and battle, and therefore little shall I grace my cause in speaking for myself, yet by your gracious patience I will around unvarnished deliver of my whole course of love, what drugs, what charms, what conjuration, and what mighty magic, for such proceeding I am charged with all. I want his daughter. Potent, taqatwar, grave, sanjeeda, reverend, qabile ihtiram, soft phrase, नर्म जुमला या फिक्रा, पित मग्स ताकत या जोर, पर्टेंस मुतालिक होना, फील्ड्स करतब, ब्रॉयल झगड़ा या लड़ाई, बैटल जंग, अनवार्निश्ड बगैर रंग अमेजी के, कंजुरेशन शोबदाबाजी। ओथेलो, मोस्ट पोटेंट, निहायत ताकतवर, ग्रेव संजीदा एंड रेवरेंट सीनियर और काबिले एहतराम जनाब, माय वेरी नोबल एंड अप्रूव्ड गुड मास्टर्स, मेरे बहुत ही शरीफ और नेक दिल आका, दैट आई हैव टेकन अवे, कि मैं ले गया हूँ डिसऑर्डरमेंट स्टार्टर इस उम्र रसीदा शख्स की बेटी को, इट इज़ मोस्ट ट्रू, ये सच है, ट्रू सच है, आई हैव मैरिज हर, कि मैंने उससे शादी कर ली है। द वेरी हेड एंड फ्रंट ऑफ माई ऑफेंडिंग, मेरा सबसे अहम जुर्म बस यही है, हैथ दिस एक्सटेंट, और इसके अलावा मजीद नो मोर, कुछ भी नहीं, रूड एम आई इन माई स्पीच, मैं अपनी तकरीर यानी बोलने में ज़रा सख्त हूँ, एंड लिटल ब्लेस्ड, और बहुत कम नवाजा गया हूँ विद अ सॉफ्ट फ्रेज, नर्म जुमलों से, ऑफ फेस अमन के, फॉर सिंस दीज आर्म्स ऑफ माइंड हैड 7 years faith, मेरी बहादुरी के ये बाजू 7 साल की ताकत रखते हैं, टिल नाउ सम 9 moons wasted, अब से कोई 9 महीने ज़ाया हुए होंगे, दे हैव यूज्ड their dearest action in the tented field, वो अपने बेहतरीन काम यानी हुनर को खैमा पोश मैदान में इस्तेमाल कर चुके हैं, एंड लिटल ऑफ दिस ग्रेट वर्ड कैन आई स्पीक, एंड लिटल और बहुत ही कम ऑफ दिस ग्रेट वर्ड इस अजीम दुनिया के बारे में कैन आई स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, मोर देन पर्टेन्स टू फील्ड्स ऑफ ब्रॉयल एंड बैटल, लड़ाई और जंग के करतबों के मुतालिक
एंड देयर फॉर लिटिल शैल आई ग्रेस माई खास, और इसलिए बहुत कम ही अपने आप को सही साबित करने में, इन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं बेहतर तरीके से बोल पाऊँगा। येट बाई योर ग्रेशियस पेशेंस, फिर भी आपके मेहरबान सब्र की वजह से, आई विल अराउंड अनवार्निश्ड टेल डिलीवर, मैं बगैर रंग अमेजी के कहानीकार होऊंगा ऑफ माय होल कोर्स ऑफ लव, अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी का, वर ड्रग्स के कौन सी मंशियात, वर चार्म्स कौन सी दिलकशी, वर कंजुरेशन कौन सी शोभदाबाजी, एंड माइटी मैजिक और कौन सा बड़ा जादू, फॉर सच प्रोसीडिंग आई एम चार्ज विद ऑल, जिससे मुझे मुंसलिक किया गया है वो मैंने इस्तेमाल किया है। आई वन हिज डॉटर, और उससे मैंने उसकी बेटी को जीता है। ओथेलो, नहायत ताकतवर, संजीदा और काबिल एहतराम जनाब, मेरे बहुत ही शरीफ और नेक दिल आका, बात यह है कि मैं इस उम्र रसीदा शख्स की बेटी को ले गया हूँ। ये सच है, सच है कि मैंने उससे शादी कर ली है। मेरा सबसे अहम जुर्म बस यही है और इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं। मैं अपनी तकरीर में यानि बोलने में ज़रा सख्त हूँ, और गुफ्तो शनीद यानि बातचीत के नर्म फिकरात से कम ही नवाजा गया हूँ। मेरी बहादुरी के ये बाजू 7 साल की ताकत रखते हैं, अब से कोई 9 महीने बस ज़ाया हुए होंगे। इनके अलावा बाकी तमाम अरसे में वो अपने बेहतरीन काम यानि हुनर को खैमा पोश मैदान में इस्तेमाल कर चुके हैं, और इस अजीम दुनिया के बारे में लड़ाई और जंग के करतबों के मुतालिक मैं थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ, और इसलिए बहुत ही कम अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं बेहतर तरीके से बोल पाऊँगा। फिर भी आपके मेहरबान सब्र की वजह से, मैं बग़ैर रंग अमेजी के अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी का कहानीकार होऊंगा कि कौन सी मंशियात, कौन सी दिलकशी, कौन सी शोभदाबाजी और कौन से बड़े जादू, जिसे मुझे मुंसलिक किया गया है, से मैंने उसकी बेटी को जीता है, यानी उसकी बेटी का दिल जीता है।